जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं देव उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक माह की महा एकादशी। इस महा एकादशी का एक ऐसा महा उपाय, एक धीये का उपाय जो हमें सरकारी नौकरी, मान सम्मान, धन यश सब कुछ दिला जाए, ऐसा एक महा उपाय लेकर मैं आपके बीच हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्रबोधिनी एकादशी, यानी कि कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी। देव जाग रहे हैं चार माह के पश्चात। आज बहुत सारी आपके पास मैं पूरी सीरीज ही लगभग हर उसमें लेकर आती हूँ, तो देव उठनी एकादशी के सारे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको एक दिन करना है, एक महा उपाय करना है, आपको अपनी परेशानियों का अंत करना है, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, समाज में मान सम्मान यश कीर्ति डाउन होती चली जा रही है, या घर में धन की कमी होती चली जा रही है, तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आज हम ऐसा क्या करें। एकादशी का पावन दिन है, भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय दिन है। प्रातःकाल नहाएंगे, धोएंगे, स्वच्छ वस्त्र आप धारण करेंगे, संभवतः पीले या सफेद वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन आप दूध में केसर मिलाकर अर्पण करें, चाहे तो आप उन्हें स्नान कराएं, चाहे तो उनके ऊपर छिड़काव करें। दूध में केसर मिलाकर आप आज भगवान श्री हरि विष्णु को प्रातःकाल जरूर अर्पित करें, दीपक लगाएं, पूजा करें, मंत्रों की माला का जाप करें। व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक दिन अन्न जरूर छोड़ दें, बैंगन वगैरह, तेल बैंगन ऐसी चीज़ें आप ना खाएं, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको कोई एक और बात बताऊँ, किसी भी तिथि पर यदि आप जनरल दिन में कोई उपाय कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप किसी तिथि का कोई उपाय करते हैं तो उस तिथि में अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो उसके कुछ नियमों का पालन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उपाय हमें पूरा फल क्यों नहीं दे रहे उसके पीछे हम ये नहीं देखते कि हमारे भाव क्या है, क्या हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर ये कार्य को कर रहे हैं, क्या हम पूरे शुद्धि मन से इस भाव को कार्य को कर रहे हैं, या मन में संशय लेकर कर रहे हैं। अगर हम मन में संशय लेकर करते हैं तो हमारे कार्य तब भी जल्दी से पूर्ण नहीं होते। पूर्ण विश्वास के साथ करिए, और अगर फल नहीं भी मिलता तो भी प्रसन्न रहिए कि आज नहीं तो कल मिलेगा तो ज़रूर, मेरे भगवान सबका भला करते हैं तो मेरा क्यों नहीं करेंगे, इस तरह के भाव रखते हुए। तो केसर मिश्रित जल से आपने भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया और दीपक लगाया, फल फूल मिठाई जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाया। अब जो आपको धन की समस्या है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में धन रुकता नहीं, बरकत होती नहीं, धन आता नहीं, हाथ में धन नहीं है हमारे, कुल मिला के बात यह है कि धन की ही समस्या है, आप क्या करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रातःकाल जब आप पूजा करेंगे तो कुछ धन अपने धन क्षेत्र में से निकाल कर, धन क्षेत्र से मेरा मतलब ये चाहे तिजोरी है, अलमारी है, कोई संदूक है, कोई बॉक्स है जिसमें कि आप अपना पैसा रखते हैं, इकट्ठा पैसा रखते हैं खर्चे के लिए, जिसमें से वहां से निकालिए, अपनी पॉकेट से नहीं, अपने पर्स से नहीं निकालेंगे, जिसमें से आप डेली यूज करते हैं उसमें से नहीं निकालेंगे, जहां आपका संचित धन है उसमें से निकालकर कुछ भी धन, रुपया हो, पैसा हो, सिक्का हो, नोट हो, कुछ भी आप उनके समक्ष रख दीजिए, कितना भी, जितनी आपकी इच्छा है रखकर रहने दीजिए। अब संध्या काल हो जाएगी, संध्या काल में फिर आपने पूजा की, और पूजा करने के पश्चात वो जो धन आपने रखा था भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में से लेकर मुट्ठी में बंद कर और आप मनी मन प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में धन की ऐसी बरकत हो, माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी वास करें, मेरे घर में धन की कमी ना हो, कभी भी कोई कर्जा ना हो, कोई लेन देनदारी ना हो, भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा करना और इतनी बरकत देना, और इतनी बरकत देगा ये पैसा, प्रेजेंट में बोली ये पैसा जितने मेरे हाथ में उसके करोड़ों गुना होकर मुझे फल देगा, ऐसा कह के उस बंद मुट्ठी को अपने उस धन क्षेत्र में जहां से आपने पैसा निकाला था वो सारा का सारा उस मुट्ठी को उसके अंदर ही जाकर खोल दीजिएगा और फिर उसको बंद कर दीजिएगा, आपको देखना नहीं है। ये महा उपाय बता रही हूं मैं, बिल्कुल एकदम अजमाई हुई चीजें भी बताती हूँ मैं आपको कभी कभी बीच बीच में, जिससे कि आपकी परेशानियां, क्योंकि पूरा परिवार मेरा ही तो है, पूरा ज्ञान सारा परिवार मेरा ही तो है, अपना ही तो है, मेरे ही तो बच्चे, मेरे ही तो भाई, मेरी तो बहन, मुझसे बड़े, मुझसे छोटे, मेरे बराबर के सब मेरे ही तो हैं। तो इस तरह से बंद मुट्ठी को करके रखकर और अपने घर मतलब उसको अलमीरा को या बॉक्स को बंद करके
आप देखिएगा कि वो पैसा जो भगवान श्री हरि विष्णु के माता लक्ष्मी के चरणों में आपने रखा था और उसके बाद वापस वहां रखा, वो कितनी बढ़ोतरी करेगा। ये नहीं कि उसके अंदर अंदर पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, नहीं, आने शुरू हो जाएंगे, बाहर से आने शुरू हो जाएंगे, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा हर वक्त कि मैं तो खाली, मेरा तो खत्म हो गया। नहीं, चलिए, तो धन प्राप्ति का उपाय था। जल्दी से बता दूं, वो महा उपाय तो सरकारी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए आपको करना है। एक दीपक लेना है, सिंपल दीपक ले लीजिए, आटा या मिट्टी कोई भी, इसमें कोई मेटल का दीपक नहीं लेना, आटे का लीजिए या मिट्टी का लीजिए। 11 सिंपल बाती बनाइए, रुई की लंबी वाली 11 बाती एक ही साथ लगा दीजिए दीपक में, एक ही साथ। उसमें सरसों का तेल डालना है आपको, सरसों का तेल। दीपक थोड़ा इतना बड़ा लीजिए कि आपने 11 बाती डाली हैं और उसमें सरसों का इतना तेल डाले कि कम से कम 2-3 घंटे वो दीपक जले। एक चुटकी उसके अंदर हल्दी डालिए, ठीक है। और संध्या समय भगवान श्री हरि विष्णु का अगर कहीं पास में मंदिर है तो आप उस मंदिर में रख कर आइए। और वैसे ये उपाय जो पीपल के वृक्ष के नीचे भी बहुत लाभदायक है, लेकिन 14 नवंबर की, क्योंकि जिस दिन एकादशी है, रविवार है, तो आप इसे घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। संभवतः कोशिश ये करिए, 90% ये कोशिश करिए कि आप मंदिर में रख कर आए। भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर आपको नहीं मिलेगा, भगवान शिव होंगे वहां पर, भगवान शिव के मंदिर में रख कर आइए। 11 यहाँ घर से जलाकर नहीं ले जाना, दीपक तैयार करके ले जाइए, ढक के ले जाइए, किसी प्लेट से बिना जलाए माचिस साथ में लेके जाइए, वहां जाके जलाइए, अपनी मनोकामना रखिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके कार्य अधूरे हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके मार्ग में रुकावटें हैं, जहां से भी संशय है, जहां से भी आपको इज्जत नहीं मिल रही, लोग आपका कहना नहीं मान रहे, लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग आपको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे, यानी कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर ही नहीं रहा, वो सारी बातें बोलने के बाद आप अपने घर में लौट कर आ जाइए। ये महा एकादशी का, कार्तिक माह का महा उपाय कर देखिए, निश्चित फल देगा, आपको फायदा होगा और होना ही चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास भी है और प्रभु से मेरी ऐसी अरदास भी है। तो इसलिए इस कार्य को आप करिए। ये था एक महा उपाय इस देव उठनी एकादशी का, इसको करिए और आपके जीवन की समस्याओं का अंत कीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत, आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।